नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस जॉब की सूचना लेकर आए हैं वह है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल भर्ती 2020। इस वैकेंसी में 9 अलग अलग विषयों में 22 पदों के लिए भर्ती होनी है और जो ये आवेदन है पूर्णतः ऑनलाइन होंगे और आवेदन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 है। आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आपका एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं। सामान्य वर्ग EWS एवं OVC वर्ग के आवेदक हेतु परीक्षा शुल्क क्या है? 350 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये या 100 रुपये? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में लिखें ये, और यदि नहीं जानते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखें। हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे भी आपको महत्वपूर्ण सूचना देते रहें। जैसा कि आप RPSC के विस्तृत विज्ञापन में देख सकते हैं कि कुल 9 सब्जेक्ट, राजनीति विज्ञान में 7 पद, गणित में 1, अर्थशास्त्र में 1, धर्मशास्त्र में 1, ज्योतिष में 6, यजुर्वेद में 3, सामान्य दर्शन में 1, जैन दर्शन में 1, न्याय दर्शन में 1, कुल मिलाकर 22 सीटें जिनका विवरण विषयवार इस टेबल में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और अपना मानस बना रहे हैं तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हमने आपसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आइए अब हम देखते हैं कि आवेदन के लिए कैटेगरी वाइज परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है। यदि हम बात करें सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, राजस्थान की क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये है। समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क 150 यानी 150 रुपये रखा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं, अगर आवेदक के पास SSO ID नहीं है तो SSO ID आप अपना बनवा लें। इसके लिए आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना SSO ID क्रिएट करना होगा। इसके बाद आवेदकों के पास आवेदन सबमिट करने के 2 विकल्प हैं। पहला कि अभ्यर्थी को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा। दूसरा, SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। हम आपको इस वीडियो में ये दोनों ही तरीके बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए पहले हम आयोग की वेबसाइट के जरिए आवेदन करना देखते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट का एड्रेस डालें जो कि rpsc.rajasthan.gov.in है। आप देखेंगे कि फ्रंट पेज के अंदर राइट साइड में न्यूज एंड इवेंट्स आ रही है, जहां पे ज्यादातर सभी भर्तियों के बारे में जो हाइलाइट्स होते हैं वो डिस्प्ले हो रही है। अगर आप किसी वैकेंसी के बारे में डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उस वैकेंसी के आगे क्लिक कर रहे हैं लिंक पर, तो आपको उस वैकेंसी का पूरा के पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे देगा, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। यहाँ पर आपको RPSC ऑनलाइन के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, न्यू एप्लीकेशन पोर्टल है जो कि SSO के थ्रू ही आवेदन करने के लिए परमिट करता है और 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये इफेक्टिव है। एक है ओल्ड एप्लीकेशन पोर्टल, हमारी जितनी भी वैकेंसीज हैं ज़्यादातर नई होती हैं तो हम ये न्यू एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो देखिए यहाँ पर क्लिक करें। इसे OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है,
तो यहाँ पर आयोग ने अपना पूरा के पूरा प्रोसेस बता के रखा है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ई मित्रा वगैरह की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। के बाद में आइए हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सिस्टम आपको बताता है कि आपके SSO पोर्टल में लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का लिंक है, जिसके माध्यम से आपको अपने SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गो टू SSO पोर्टल पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले से ही लॉगिन कर रखा है, इस वजह से मुझे सीधा यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अपने जो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स ऐप हैं, इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट पोर्टल के नाम से ऐसा आपको लिंक दिखाई देगा लोगों के साथ में, इस पर क्लिक करें आप। तो ऊपर देखिए URL बदल गया, recruitment.rajasthan.gov.in कैंडिडेट्स लॉगिन यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर जितने भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, जैसे कि अभी यह फिजियोथेरेपिस्ट का चल रहा है, इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर का चल रहा है, स्कूल लेक्चरर का चल रहा है, तो इसमें जिस भी वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्कूल लेक्चरर 2020 के अंदर अप्लाई नाउ पे। तो ये आपसे ऑप्शन पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन में जो डेटा है वो आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली फैच हो जाए, यानी कि आ जाए, या आप चाहते हैं कि आप खुद से भरें। तो आप यहाँ पे यस भी दे सकते हैं, जिससे जो आपके पहले से इंफॉर्मेशन SSO में स्टोर है वो सभी यहाँ आ जाएगी, और नो करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम नो करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल अलग अलग जो नो पद हैं जिनके अंदर वैकेंसी के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे हमने एक पॉलिटिकल साइंस का चुना, यहाँ पे आवेदक का नाम, यानी कि चार अलग अलग ब्लॉक्स रहेंगे जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। तो जब आप ये सारा के सारा भर लेंगे, इसके बाद में आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिलेगा। जिस तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन पूरा भरने के बाद में आप इस पोर्टल से निकल सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना देखते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि SSO पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और इसके लिए सर्वप्रथम आपको करना यह है कि SSO जो पोर्टल है उसका एड्रेस URL में डालना है, sso.rajasthan.gov.in। यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानने के लिए आप क्लिक एयरपोर्ट डेमो कर सकते हैं। अगर आपके पास Gmail ID या Facebook अकाउंट है तो उसके माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और अगर जन आधार या भामाशाह के मदद से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिटीजन के लिए जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वही आप पे लागू होगा। तो ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद में आप एप्लीकेशंस में जाएं। एप्लीकेशंस में आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे, राजस्थान सरकार की सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक लिंक दिया हुआ है लोगों के साथ में, हमारा जो राष्ट्रीय सत्यमेव जयते का चिन्ह बना हुआ है उसके साथ में रिक्रूटमेंट पोर्टल का है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लेके जाएगा। देखिए आप यहाँ पर URL देखेंगे तो recruitment.rajasthan.gov.in है, और ऑलरेडी कैंडिडेट लॉगिन मिलेगा आपको, यानी कि आपका लॉगिन पहले से ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको सारी जो आपके ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस हैं वो सभी दिखेंगे। साथ साथ में आपने जिन जिन जगह पे अप्लाई किया है या आपकी एप्लीकेशंस अगर अधूरी रह गई है तो यहाँ पे दिखेगा, जिसको आप पूरा भी कर सकते हैं, और अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नया अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको करना है बस ये है कि आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये आपसे पूछता है कि आपके जो SSO पोर्टल पे सूचना है उसी को यूज करते हुए कि कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी भरा हुआ
एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे, या फिर आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नया भरना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो ये सूचनाएं यूज होंगी, अगर नो करते हैं तो सूचनाएं नहीं यूज होंगी। तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अंदर जाकर के पोस्ट वगैरह सेलेक्शन करने के बाद में आप बैक टू एसएसओ कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए, आवेदन हो जाए, तो बैक टू एसएसओ करें और यहां से लॉग आउट कर सकते हैं आप अपने सिस्टम को। अब मैं आपको आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाली हूं। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्हें आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक प्राप्त हो गया है या नहीं। आवेदन क्रमांक यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन आयोग में प्राप्त हो गया है। आवेदन क्रमांक नहीं प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी का आवेदन कंप्यूटर द्वारा स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन का एक प्रिंटआउट भविष्य के संदर्भ में अवश्य अपने पास रख ले। यदि अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के बैंक खाते वॉलेट से भुगतान राशि कट जाती है तथा किसी कारणवश भुगतान प्रक्रिया विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क आवेदन पूर्वालोकन वाले पृष्ठ पर वेरीफाई बटन को क्लिक कर भुगतान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम स्कीम और सिलेबस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होगा वो कुल मिलाकर 450 मार्क्स का होगा। एग्जाम में कुल दो पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जिसके कुल 150 मार्क्स होंगे, इसमें मात्र 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, व दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा जिसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे तथा 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी का होगा और जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। पेपर सेकंड के 2 प्रारूप होंगे। संस्कृत विषय के स्कूल लेक्चरर के लिए 4 विषय जैसा कि स्लाइड के ऊपरी हिस्से में दिखाया गया होंगे, और संस्कृत के अलावा अन्य विषयों में स्कूल लेक्चरर के लिए नीचे दिखाए अनुसार 4 सब्जेक्ट होंगे। मुख्य बात यह है कि संस्कृत के अलावा अन्य विषयों के लिए उस विषय से संबंधित सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल व पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंत में एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको आगे भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें।